आज के इस वीडियो में मैं आपको आलोक एडिटर के लिए दो खतरनाक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक बी आर रैंक के लिए दूसरा सी एस रैंक के लिए। दोनों ही कॉम्बिनेशन पावरफुल रशर कॉम्बिनेशन होने वाला है, इसलिए एनमी से कभी डरना नहीं। एनमी आपके आसपास हो तो एनमी पर बेहिचक रश करना, उसे फाइट करना, उसे फिनिश कर देना। ओके, अब बात करें इसके कॉम्बिनेशन की, तो इसके कॉम्बिनेशन में सबसे पहले बात करेंगे पेट की एबिलिटी। कौन सी पेट की एबिलिटी हम लगाएं? तो आपके पास जो भी पेट की एबिलिटी है जिसे आप लगाना चाहते हो उसे लगा सकते हो। मैं पिछले कुछ दिनों से फ्लैश पेट की एबिलिटी लगा रहा हूँ, आप भी चाहो तो इसे लगा सकते हो, क्योंकि फ्लैश पेट जो है पीछे से पड़ने वाले डैमेज को 25% कम कर देता है। मतलब कि कोई भी एनिमी आपको पीछे से डैमेज देगा तो आपको हर गोली पर 25% कम डैमेज पड़ेगा। इसका फायदा यह होता है कि कभी कभार मरते मरते बच जाते हैं। ठीक है, समझिया। ओके, मैं अभी बता रहा हूँ बीआरएन के लिए कॉम्बिनेशन, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप बीआरएन खेलो तो हमेशा लोड आउट में यूज करो आर्मर क्रेट का। इससे फायदा ये होता है कि गेम शुरू होने से पहले ही आपको दो लेवल का बेस्ट हेलमेट और 30 सील पॉइंट दे देता है। इसका फायदा यह है कि नीचे उतरने के बाद आपको बेस्ट और हेलमेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बस गन ढूंढना है। एनमी अगर आपके आसपास है तो उसे फाइट कर सकते हो। अगर कोई एनमी आपको डैमेज देगा तो आपको थोड़ा बहुत कम डैमेज पड़ेगा। ओके, तो अब बात करें इसके कॉम्बिनेशन में कौन सी कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करें। तो सबसे पहले यूज करो इसमें लुकेटा कैरेक्टर की एबिलिटी। ये कैरेक्टर आपको 50 हील पॉइंट देता है जो आलो कैरेक्टर को पावरफुल बना देता है। उसके लिए आपको किसी प्रकार दो एनमी को किल कर देना है। यहाँ पे देखो, मैं एक एनमी को किल करता हूँ तो हमारा 25 हील पॉइंट और बढ़ गया। कुल मिलाकर अभी हमारे पास 55 एचपी का हील पॉइंट है जो हमें एनमी से फाइट करने में बचाएगा। अभी देखना कि मैं यहाँ से आगे जा रहा था, अचानक से एक एनमी मुझे डैमेज देता है और हमारा हेल्थ बचाया था केवल 10 एचपी का। जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पर सही लोड आउट और सही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करता तो मैं यहाँ पर पक्का मर गया होता। यहाँ पर मेरा हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, इसलिए मैं फटाफट दो मेडकिट लगा लिया बहुत ही तेजी से, और एक एनमी आ रहा था उसे भी मैंने डैमेज दे दिया, और मैं बिना देरी किया आलो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज किया और एनमी पर सीधा रश करके उसे फिनिश कर दिया। यहाँ पर मेरा हेल्थ भी पूरा हो गया और मैंने दो एनमी को किल कर दिया है तो मुझे 50 सील पॉइंट मिल गया है, यानी कि टोटल मिलाकर अभी हमारे पास 80 एचपी का सील पॉइंट है। और कॉम्बिनेशन के इस स्लॉट में यूज करना है मैक्सिम कैरेक्टर की एबिलिटी। आपने देखा था कि मैक्सिम कैरेक्टर की एबिलिटी की वजह से मैंने दो मेडकिट फटाक से लगा लिया था, आपको पता भी नहीं लगा होगा। यहाँ पर भी देखना, एक एनमी मुझे अचानक से फिर से डैमेज देता है और यहाँ पर मेरा कम हेल्थ घटा, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे पास एक्स्ट्रा सील पॉइंट था और मैंने यहाँ पर मैक्सिम कैरेक्टर की वजह से मैंने फटाक से मेडकिट लगा लिया एनमी आने से पहले। उसके बाद मैंने कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके एनमी से फाइट करने लगा। मैं एनमी को हेडशॉट मारने की कोशिश किया लेकिन नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं उसे मार दिया। और कॉम्बिनेशन के आखिरी स्लॉट में यूज करना है सानी कैरेक्टर की एबिलिटी। इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करने से क्या होता है कि जब भी आप आलो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे तो आपको 40 एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट और देगा। इसका फायदा ये होता है कि एनमी पर रश करके फाइट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। और मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया, यह कॉम्बिनेशन कितना परफेक्ट है, यहाँ पर आप लोग देखो। यहाँ पर देखो, मैं आखिरी का एक एनमी ढूंढ रहा था, उसे ढूंढने के लिए मैं उस पर ग्रेनेड फेंकना चाहा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि खुद का ग्रेनेड खुद पर ही लग जाता है जिस वजह से आपका मेन हेल्थ घट जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मेरा मेन हेल्थ नहीं घटा, क्योंकि मैंने जो कॉम्बिनेशन यूज किया उसके वजह से एनमी मुझे दिख गया था, तो मैंने सीधा आलो कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके एनमी पर रश कर दिया। क्योंकि आलो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करने से हमें 40 एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट मिल गया था और आलो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करने पर 15% का मूवमेंट स्पीड और भी बढ़ जाता है, इस वजह से एनमी से फाइट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और इस प्रकार मैंने किल कर दिया। तो चलो, अब मैं बताता हूँ सीएस रैंक के लिए आलो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन क्या यूज करें। तो देखो, जो मैंने बीआर रैंक के लिए जो कॉम्बिनेशन बताया सभी कॉम्बिनेशन वैसे ही रहने दो, बस इसमें दो कैरेक्टर की एबिलिटी चेंज कर दो, पहला लुकवेटा दूसरा सानी। अब इन दोनों कैरेक्टर के जगह पर कौन सी कैरेक्टर एबिलिटी यूज करना है, चलो मैं बताता हूँ। तो लुकवेटा के स्थान पर आप जोटा कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करो। सीएस रैंक में लुकवेटा कैरेक्टर की एबिलिटी हटाने का रीजन यह है कि जब भी राउंड चेंज होता है तब उसका एबिलिटी खत्म हो जाता है, लेकिन उसके स्थान पर अगर आप जोटा कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे तो अगर आपका हेल्थ कम है तो जैसे ही आप किसी एनमी को डाउन करोगे वैसे ही आपका 40 एचपी रिकवर हो जाएगा। इस प्रकार आप जितने एनमी को डाउन करोगे उतने बार आपको 40 एचपी रिकवर कर देगा। और सानी कैरेक्टर की एबिलिटी हटाने का रीजन यह है कि जब भी आप सीएस रैंक खेलते हो तो हमेशा स्क्वाड में खेलना पड़ता है और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अकेला 1v3 या फिर 4 करना पड़ जाता है। ऐसे टाइम पर आलो कैरेक्टर की एबिलिटी एक ही बार यूज कर पाओगे, जिस वजह से सानी कैरेक्टर की एबिलिटी भी एक ही बार यूज कर पाओगे। लेकिन उसके स्थान पर अगर आप एंटोनियो कैरेक्टर की एबिलिटी लगा लेते हो तो आपको बार बार यूज करने का मौका मिलेगा उसका एबिलिटी। इस प्रकार मैंने जो भी कॉम्बिनेशन बताया सभी कॉम्बिनेशन का यूज मैं परफेक्ट तरीका से यूज कर चुका हूँ। बस अब लास्ट का एनमी बचा है, वो जैसे ही मिलेगा उसे मैं फिनिश कर दूंगा, यानी कि 1v3 मैंने हैंडल कर लिया यहाँ पर। इसीलिए जो मैंने आलो कैरेक्टर के लिए कॉम्बिनेशन बताया, बीआर रैंक के लिए यह यूज करो, सीएस रैंक के लिए यह यूज करो, कभी भी आप सीएस रैंक में बीआर रैंक का कॉम्बिनेशन यूज मत करना, क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो में एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। धन्यवाद।